अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। अब होता है कि HDL, ये याद रखना, ये ब्लड के अंदर बनती है एंड इसमें जो एपो लाइपोप्रोटीन होती है ना, इसके पास एपो सी टू एंड एपो ई तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एपो सी टू और एपो ई जो है वो ये VLDL एंड काइलोमाइकॉन्स को देते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए। तो HDL के पास जो कि एपो सी टू और एपो ई के रिजर्वॉयर्स हैं वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एशिया के पास जो मेन एपो लाइपोप्रोटीन जो उसको मतलब करती है ना, जो जो उसको वो करती है कि उसको सिग्निफाई करती है, जिस तरह एपो B48 काइलोमाइक्रोन को, एपो B100 VLDL को, उस तरह एपो A1 होती है जो कि मोर देन 70 अबाउट 70% जो HDL है उसके अंदर एपो A1 प्रोटीन होती है जो कि एपो लाइपोप्रोटीन होती है। एंड ये एपो A1 बनती कहाँ से, ये दोनों लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से सिंथेसाइज होती है एपो A1, एंड ये जो ब्लड के अंदर डिस्कॉइड नेसेंट HDL पार्टिकल्स हैं उनमें जाकर प्रेजेंट होती है। जैसी एपो A1 एपो सी टू एपो ई का पार्टिकल होगा तो जो जो HDL कहलाया जाएगा ये डिस्कॉइड सी शेप का होगा, ये नेसेंट सा होगा, ये HDL कहलाया जाएगा। होता है क्या, HDL का काम क्या है कि इसने एक्स्ट्रा पैटिक टिश्यू से, पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कराना है लिवर के अंदर। तो एक तरह से इसका ये देखा गया कि रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कराती है, और ये अच्छी प्रोटीन है। ये अच्छी प्रोटीन क्यों, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल से, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से रिलेटेड जितनी भी एथीरोसिक्लेरोसिस, जितनी भी आपके क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस वगैरह, उन सब में ये उन सबको कम करने में मदद करती है। क्योंकि HDL हम देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करते हैं, कम किस तरह करते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से लेके लिवर तक लेके चला जाता है। और HDL को बढ़ाता कौन है, एक्सरसाइज HDL के लेवल्स को बढ़ाती है, एंड एस्ट्रोजन। इससे देखा गया फीमेल्स में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की होती है वुमेन, उनमें एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं, इसलिए उनमें HDL ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें हार्ट अटैक्स के चांसेस काफी कम होते हैं। हमने एस्ट्रोजन की वीडियो में भी पढ़ा था। तो अब होता क्या है, HDL के मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। होता है कि HDL में एपो A1 है, एपो सी टू है, एपो ई है। होगा क्या कि इसने पेरिफेरल टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल्स को लेना है, पर वो जो कोलेस्ट्रॉल्स को लेगी ना वो उनको उनकी एस्टिफाइड फॉर्म में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कराएगी कोलेस्ट्रॉल को। करती क्या है, HDL जो है, HDL के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है LCAT, विच इज नोन एज लेसिथीन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेस। होता क्या, लेसिथीन इज फॉस्फेटाइडल कोलीन, एंड LCAT बनता कहाँ से, ये बनता है लिवर में से। होता क्या है कि जो LCAT है ये HDL के पास प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेटाइडल कोलीन HDL के पास प्रेजेंट होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली कराती क्या है, LCAT मैकेनिज्म होता है क्या कि LCAT एक तो जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है, ये कुछ आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज है वहां पे प्रोटीन होती है जिनका नाम होता है ABCA1। ABCA1 प्रोटीन्स के थ्रू जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो पेरिफेरल टिश्यूज से चला जाएगा सर्कुलेशन के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल होगा क्या कि जो सर्कुलेशन में HDL है वो उस फ्री कोलेस्ट्रॉल को टेकअप करेगी। वो कैसे करेगी, जो LCAT है, LCAT का फंक्शन क्या होता है कि LCAT के थ्रू वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट कैसे होगा, बेसिकली होगा क्या, जो फॉस्फेटाइडिल कोलीन है उसके जो सेकंड कोलीन का जो सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड प्रेजेंट होता है ना वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देती कोलेस्ट्रॉल में, जिससे वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाता है। बेसिकली LCAT मैकेनिज्म है क्या कि LCAT जो है HDL नेसेंट HDL पार्टिकल के अंदर होता है। होता क्या है के और हाँ, LCAT ये एक्टिवेट किस होता है, एपो A1 से ही एक्टिवेट होता है। LCAT का फंक्शन क्या है, LCAT किस तरह फंक्शन करता है, लेसिथीन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेस फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन ऐसे करता है कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है एंड जो HDL के पास जो फॉस्फेटाइल कोलीन है, जो फॉस्फेटाइल कोलीन है उसका जो सेकंड कार्बन है वहां पे जो फैटी एसिड प्रेजेंट होगा वो उस फैटी एसिड को फॉस्फेटाइल कोलीन के सेकंड कार्बन से ट्रांसपोर्ट कर देगा कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जिससे होगा कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोफोबिक कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, और वो जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है वो फिर इसके अंदर HDL के अंदर सिक्वेस्टर हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, जिसके थ्रू जिसकी जिस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा। वेरियस फॉस्फेटाइल कोलीन क्या होगा, सिंस उसके कार्बन टू से फैटी एसिड रिमूव हो गया तो फॉस्फेटाइल कोलीन कन्वर्ट हो जाएगा लाइसोफॉस्फेटाइल कोलीन में, एंड लाइसोफॉस्फेटाइल कोलीन जाके कंबाइन हो जाएगा एल्ब्यूमिन के साथ, एंड वो एल्ब्यूमिन उसकी जाके ट्रांसपोर्ट कराएगी। सो दैट वाज LCAT मैकेनिज्म। फिर से मैं समझा देता हूँ, LCAT मैकेनिज्म है कि कोलेस्ट्रॉल को उसके एस्टर फॉर्म में करना है, और LCAT एक्टिवेट किस होता है, एपो A1 से। LCAT बनता कहां से, लिवर से। इसका काम क्या है कि ये जो फ्री कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसके उसको एस्टिफाइड फॉर्म में कैसे लगा कि जो फॉस्फेटाइडिल कोलीन है वहां पे जो फॉस्फेटाइडिल कोलीन का जो सेकंड कार्बन होता है उस पे से फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ट्रांसफर करा देता है फॉस्फेटाइडिल कोलीन से कोलेस्ट्रॉल में, जिससे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर फिर अंदर सिक्वेस्टर कर जाता है, ये अंदर चला जाता है एज अ एस्टर चला जाता है HDL के अंदर। वेरियस फॉस्फेटाइडिल कोलीन लाइसोफॉस्फेटाइडिल कोलीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जितने ज्यादा
आपके कोलेस्ट्रॉल एस्टर बढ़ते रहेंगे ना, उतने ही ज्यादा एचडीएल का पार्टिकल बड़ा होता रहेगा। सबसे पहले वो डिस्कॉइड सी शेप होती है, नेजेंट्स होते हैं, उसके बाद जब इसमें एपो ए वन आते लगी और एपो ए वन से एलकेट एक्टिवेट हुआ, जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर आना है, जब ये कहते हैं थोड़े से कम कोलेस्ट्रॉल एस्टर जब आए तो ये एचडीएल कन्वर्ट हो गया एचडीएल थ्री में। अब जितने ही कम से फिर ज्यादा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके पास आते रहेंगे जिस तरह दिखाया हुआ, तो एचडीएल थ्री का पार्टिकल फिर आहिस्ता से बड़ा होता रहेगा। बड़ा होकर एचडीएल थ्री से जितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एस्टर होंगे उतना ज्यादा बड़ा होगा और उस पार्टिकल को हम कह देंगे एचडीएल टू। एचडीएल टू में बन जाएगा। अब एचडीएल टू का काम क्या कि लिवर में लिखी जाएगी, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को ट्रांसपोर्ट करा देगी और लिवर में हो क्या होगा, कुछ एचडीएल पार्टिकल को छोटा कर दिया जाएगा, वापस एचडीएल थ्री की फॉर्म में ला दिया जाएगा। क्यों? एक तो ये कि जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं वो लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और वो कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, जो एचडीएल का फंक्शन था। दूसरा क्या होगा, एचडीएल की जो एपोलाइपोप्रोटीन है लिवर पे एक एंजाइम होता है हेपेटिक लाइपेज। हेपेटिक लाइपेज का फंक्शन क्या होता है कि वो जो एचडीएल के पास जो फॉस्फोलिपिड्स एंड जो क्या कहते हैं जो टैग्स प्रेजेंट होंगे उनको वो हाइड्रोलाइज करेगी, जिससे एचडीएल का पार्टिकल को छोटा कर देगी, तो एचडीएल टू कन्वर्ट हो जाएगा एचडीएल थ्री में। ये होगा थ्रू हेपेटिक लाइपेज। कि हेपेटिक लाइपेज क्या करता है, हेपेटिक लाइपेज डिग्रेड्स टैग्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, जिसकी वजह से होता है कि एचडीएल टू जो एचडीएल थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। और होगा क्या कि लिवर के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर का नाम होता है स्कैवेंजर रिसेप्टर टाइप बी क्लास वन। ठीक है, स्कैवेंजर रिसेप्टर बी वन जो है, जो उसकी टाइप बी होती है, क्लास वन होती है। स्कैवेंजर रिसेप्टर बी वन का फंक्शन क्या है कि ये इन रिसेप्टर्स के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं वो इन रिसेप्टर्स के थ्रू लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ, ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ये जो एचडीएल ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स लिवर में ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, इन रिसेप्टर्स के थ्रू। इन रिसेप्टर्स के थ्रू स्कैवेंजर रिसेप्टर टाइप बी क्लास वन या स्कैवेंजर रिसेप्टर बी वन आप याद कर लें, ये इनके थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं हम देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल ये लिवर के अंदर चले जाएंगे, वेयर एज हेपेटिक लाइपेज एचडीएल टू को एचडीएल थ्री में कन्वर्ट कर देगा। और ये इस तरह करके ये इसका मेटाबॉलिज्म है, इस तरह करके कहते हैं चलता रहेगा और इस तरह ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, क्योंकि पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे हैं, फिर लेवल में जाकर कोलेस्ट्रॉल का जो भी मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा है। एंड साथ ही ये देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था कि वीएलडीएल वाली वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रोटीन होती है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन सीईटीपी, उसका काम क्या होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन का, के कुछ एचडीएल के पार्टिकल्स क्या करेंगे एचडीएल टू के पार्टिकल्स, वो अपने जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं वो वीएलडीएल को ट्रांसपोर्ट करा रहे होंगे, वेयर एस वीएलडीएल क्या कर रहा होगा वो अपने टैग्स जो है टैग्स को कन्वर्ट कर रहा होगा, वो उसमें टैक्स और सॉरी ट्रांसफर कर रहा होगा एचडीएल टू में। तो एक तरफ से हम देख सकते हैं कि ये भी एक साथ मैकेनिज्म चल रहा होता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि वीएलडीएल फिर आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है आईडीएल में। आईडीएल इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये या तो डायरेक्टली अपने एपोई के कहते हैं जो एपोई थ्री होते हैं उन रिसेप्टर्स के थ्रू लिवर के अंदर जाके एंडोसाइटोस और हाइड्रोलाइज हो सकती है, या आईडीएल कन्वर्ट हो जाती है। एलडीएल में कन्वर्ट कैसे होती है, जो आईडीएल होती है एपो सी टू और एपोई वापस एचडीएल को दे देती है, एंड एलडीएल फिर अपने क्या कहते हैं एपो बी 100 वाले रिसेप्टर्स के थ्रू या एपोई रिसेप्टर्स को भी यूज करके वो लिवर के अंदर या एक्स्ट्रा पैडेड टिश्यूज में चला जाता है। सो दैट वाज योर एचडीएल का क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आई होप ये इजीली समझ में आ गया। और क्या कहते हैं इससे रिलेटेड अब जितनी भी अब जो ओवरऑल लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, जितने भी हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपो लाइपोप्रोटीनीमिया जो भी डिजीज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।